टीम जिससे पहले एक दूसरे से भिड़ी है, तीन बार जयपुर जीती है और सात मरतबा बंगाल वॉरियर्स इनके ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। मनिंदर सिंह पहली रेड, क्या संदीप धूल के नीचे से पॉइंट लेंगे? मनिंदर सिंह छह बार अमित हुड्डा को और अमित हुड्डा छह बार मनिंदर को आउट कर चुके हैं। अमित हुड्डा नंबर 10 की जर्सी में है राइट कॉर्नर पर। बिल्कुल दोनों की तकरीबन बराबर की टक्कर है। अभिषेक मौजूद हैं, ऐश्वर्या मौजूद हैं, आराधना भी हैं। पहला पॉइंट इस मैच का के प्रपंचन, टू डाई रेड आ चुकी है। निलेश साल उनके पहली रेड में धर लिए गए। अभिषेक थोड़ा सा चिंतित हैं शुरुआती लम्हों में क्योंकि बंगाल वॉरियर्स ने लीड ली है और ये डुओ डाई रेड है, नबी बख्श के लिए आसान होगा नहीं। डुओ डाई सिचुएशन में अमित हुड्डा नंबर 10 ज्यादा घातक साबित होते हैं, उनके आंकड़े पढ़ लीजिए। लेकिन संदीप धूल की डाइव है, नबी बख्श आउट है। क्या नबी बख्श का पैर गया? वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। अजिंक्य पवार ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हैं, लेफ्ट रेडर हैं, तो लेफ्ट रेड बलदेव सिंह कहां से आए, शिकार कर लिया। One point, Bengal Warriors. अमित हुड्डा अब तक खामोश रहे हैं, कोई पॉइंट मिला नहीं है। अमित हुड्डा को पॉइंट मिल गया, लीजिए पहली कामयाबी। आराध्या भी खुश। पिछला मैच जो हुआ था महाराष्ट्र डर्बी, पूरी तरह से डिफेंस हावी थी, इसमें रेडर्स ने ज्यादा पॉइंट लिए हैं, लेकिन डुओ डाई रेड पर दोनों टीमें खेल रही हैं। ये रेड अगर खाली गई तो जयपुर की अगली रेड डुओ डाई आएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो किया था दीपक दरबार ने, टू पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। इस समय रिवाइवल की जरूरत है जयपुर पिंक पैंथर्स को, बोनस पॉइंट्स की अपनी अहमियत है क्योंकि पॉइंट्स तो जुड़ेंगे ही, लेकिन अगर टच पॉइंट लेकर के आते हैं तो आपके प्लेयर्स वापस कोर्ट पर आएंगे। दीपक ने वासुदा ने ताल ठोकी है और बड़ा शिकार किया, जीवा कुमार को बाहर किया है। डुओ डाई रेड, दूसरे हाफ की पहली डुओ डाई रेड बंगाल को मिली है और अब तक नबी बख्श ने खाता खोला नहीं है, नहीं खोलेंगे। संदीप धूल टैकल ब्यूटीफुल। बंगाल का ब्रेकअप देख लें, 6 टैकल पॉइंट 9 रेड पॉइंट, दोनों टीमें तकरीबन बराबर बराबर चल रही हैं। यानी ये मुकाबला अगर आखिरी एक दो रेड में डिसाइड हो तो हैरान मत होइएगा, बिल्कुल आखिर तक जाने के आसार हैं। ये डाइव लगी है, प्रपंचन आउट हुए हैं। 3 ही पॉइंट का फासला है जो हमने कल बात की थी शो में, ये मैच आखिरी रेड तक जाने के आसार है। दोनों टीम्स बड़ी संतुलित हैं, जयपुर के रेडर्स को थोड़ा और चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये डिफेंस है, ये कमाल का डिफेंस है बंगाल का। राइट में सचिन नरवाल हैं जो कि थोड़े कम अनुभवी हैं, साथ में उनके आदर्श हैं। संदीप फुल लेफ्ट में है, संदीप को अवॉइड भी करना है, उन पे अटैक करना भी नहीं है। ये संदीप आए, ये डुबकी लगी और शिकार हुआ, ये संदीप का कमाल है। दोनों टीमों ने अपना जो पिछला मुकाबला था वो बड़े फासले से जीता था। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 19 पॉइंट से यू मुंबा को हराया था जो इससे पहले कभी नहीं किया, और यहां मनिंदर को टैकल किया। ये डू ऑर डाई है, दीपक दरबाल के पास मौका है कि या तो वो पॉइंट लें अन्यथा सुरक्षित लौट जाएं, अपने आप को गंवाए नहीं। अगर सुरक्षित लौटे तो आउट हो जाएंगे, दो पॉइंट सुपर टैकल के मिल जाएंगे। सुपर टैकल हुआ, संदीप धूल 7 टैकल पॉइंट। ओ हो, ये डू ऑर डाई थी। दीपक निवास का हाथ मिडलाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, व्हाइट लाइन को अगर दीपक ने क्रॉस नहीं किया तो वो आउट है, लेकिन अगर दीपक दीपक कामयाब, जयपुर जीत गए, शाबाश। कितनी बड़ी यहां पर गलती हो गई, आज इतना ज्यादा अटेम्प्ट क्यों हो गए? संयम नियंत्रण बेहद जरूरी। आखिरी लम्हों में जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वॉरियर्स के मुंह से जीत का निवाला निकाल लिया।